हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हेलो होस्ट कबीर। आप बात कर लेते हैं केकेआर की। कोरबो लोडबो जीत बोले, ये मंत्र तो इस बार केकेआर का चला नहीं, लेकिन टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं जनाब। मॉर्गन की बैटिंग आते आते केकेआर का खेल खत्म हो चुका था। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2020 की सबसे बदकिस्मत टीम रही, जो कि नेट रन रेट में पिछड़कर प्लेऑफ से बाहर हो गई। आप नेट रन रेट की कहानी तो अलग ही सही जनाब। अभी टीम के उस ब्लंडर की बात करें जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, यह बात इंग्लैंड के इयान मॉर्गन से जुड़ी हुई है। विश्व विजेता कप्तान इयान मॉर्गन केकेआर के सबसे भरोसे बल्लेबाज थे, लेकिन ना तो शुरुआती कप्तान दिनेश कार्तिक और ना ही खुद मॉर्गन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया। बैटिंग ऑर्डर में मॉर्गन बार बार नीचे आते रहे। कई बार वे छठे नंबर पर आए, तब जब ऊपर के पांच बल्लेबाजों में से कोई बड़ा मैच विनर नहीं था जनाब। अब अपने बेस्ट बल्लेबाज को पांचवें छठे नंबर पर लाओगे तो यही होगा जनाब कि या तो मैच हारोगे या गिरते गिरते जीत पड़ोगे जनाब। इसलिए केकेआर भी पूरे टूर्नामेंट में कमजोर और लड़खड़ाती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने बीच में कप्तानी छोड़ी, वो भी सबसे बड़ा रीजन था। उन्हें टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी, इसलिए कोरबो लोडबो जीत बोरे का यह मंत्र इस बार फेल हो गया और केकेआर प्लेऑफ से बाहर हो गई। आपकी क्या है भाई कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए जनाब। जय हिंद, जय भारत।